पर एक शिक्षक अपनी कक्षा में गया तो उसने देखा कि सभी विद्यार्थी बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया और विद्यार्थियों को कहा कि आज आपको इस विषय पर एक लेख लिखना है। ये सुनते ही सभी विद्यार्थी चौंक गए, क्योंकि ये एक अचानक दिया हुआ कार्य था। वो मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक से संशय में पड़ गए कि सर ने ये क्या कह दिया। खैर, कार्य था, करना ही था। सभी विद्यार्थी अपना पेन पेंसिल पेपर लेकर के बैठ गए उस कार्य को करने के लिए। शिक्षक ने देखा कि सभी विद्यार्थी संशय में हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। 5 मिनट बाद जब शिक्षक ने कमरे में भ्रमण किया तो पाया कि कुछ विद्यार्थी ने 5 लाइनें लिखी हैं, कुछ विद्यार्थियों ने 4 लाइनें लिखी हैं। वहीं ऐसे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो सिर्फ अपना नाम, क्लास और विषय लिख करके बैठे थे, सोच रहे थे कि वो क्या लिखें। शिक्षक ने देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। 10 मिनट बाद शिक्षक ने पुनः भ्रमण किया कक्षा में और देखा कि अब बच्चे 5 से 6-7 लाइनें लिख चुके हैं, और वहीं अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 2 लाइन ही लिखकर बैठे हैं और सोच रहे हैं। शिक्षक आया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि बेटा, आप एक बार कोशिश करिए, लिखने की शुरुआत कीजिए, देखिए आप लिख लेंगे। उसके बाद शिक्षक 10 मिनट बाद पुनः कक्षा में भ्रमण करता है और देखता है कि अब लगभग बच्चे आधे से ज़्यादा पेज लिख चुके हैं। वो बच्चे जो 2 लाइन लिखकर संशय में थे कि आगे क्या लिखें, वो भी अब आधे पेज से ज़्यादा लिख चुके हैं। जब कक्षा ख़त्म होने के 5 मिनट रह गए थे, तब शिक्षक ने पुनः एक बार भ्रमण किया और देखा कि लगभग सभी बच्चे अपना वो पहला पेज या तो ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे पृष्ठ पे हैं, या उस पेज के आखिरी पंक्ति पे हैं। शिक्षक देखकर बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। शिक्षक ने कहा, आज की नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द डे। तभी पीछे से एक बच्चा तुरंत बोला कि हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। यस, यही सीख शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देना चाहता था कि आप स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और किसी भी कार्य को करने की भी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही आप उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और कोई भी कार्य फिर आपके लिए असंभव नहीं है। ये सुन के सभी बच्चे खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपना लेख लिखकर अपने शिक्षक को दे दिया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, या ये कहूँ कि ये मेरे स्वयं के अनुभव पर आधारित है। ये जो सीख है कि स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आपकी क्षमताएं ही आपको जीवन में बहुत सफलता देंगी। तो खुद पर विश्वास रखिए, किसी भी कार्य करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।